एनएच शिमला मनाली सड़क की हालत खस्ता हो गई है। सड़कों पर 2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ महीनों पहले ही लोक निर्माण विभाग ने किसी ठेकेदार को सड़क पर टाइलिंग करने का टेंडर दिया था, लेकिन 4 महीने में ही सड़क की हालत खस्ता हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगति से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एनएच शिमला मनाली सड़क की खस्ता हालत हो गई है। सड़कों पर 2 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। कुछ महीनों पहले ही लोक निर्माण विभाग ने किसी ठेकेदार को सड़क पर टायरिंग करने का टेंडर दिया था, लेकिन 4 महीनों में ही सड़क की खस्ता हालत हो गई। दुकानदारों ने बताया कि बरसात से पहले ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, बाकी बरसात होने के बाद पड़े हैं। अब उन गड्ढों को भरने के लिए विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को टेंडर दिया हुआ है। ग्रामीणों व दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि टायरिंग तथा तारकोल की जगह ठेकेदार गीली मिट्टी फेंक रहा है और 2 फीट पड़े गड्ढों को भर रहे हैं, जिससे सारी मिट्टी दुकान में जा रही है, जिससे सड़कों पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो गया है। धूल मिट्टी से बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो गए हैं। दुकानदारों व स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग पर भी आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ठेकेदारों को टेंडर क्यों देती है और उनके सैंपल क्यों चेक नहीं करती है। ग्रामीणों ने बताया कि जब मिट्टी डालने से ठेकेदार को रोका गया तो उसने लोगों व विभाग को गुमराह करके बताया कि मुझे मिट्टी डालने के आदेश मिले हैं। जब इसकी शिकायत हमीरपुर को दी गई तो वहां से भी ग्रामीणों को आश्वासन ही मिला और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी बोलकर टाल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगति से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिमला मनाली का जो रोड की जो हालत है वो देखने लायक है। जो इस रोड में 4 महीने पहले टायरिंग का काम हुआ था, जिससे हमने प्रशासन को इस टायरिंग के इस रोड के बारे में अवगत करवाया था, जिससे प्रशासन ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमने हमीरपुर में एक जेई एनएस के जेई को फोन करके बोला तो उन्होंने यहाँ पे इस खड्डों में मिट्टी डलवा दी, जिसके कारण यहाँ पे दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया, जिस कारण हमारी सारी दुकानें यहाँ पे बंद हो गई है और यहाँ पे दुकानों में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध है कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए और जिसने ये मिट्टी यहाँ पे खड्डों में भरवाई है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। शिमला धर्मशाला रोड जो नम्होल राजघाट के पास एक अंधा मोड़ जिस पे भारी खड्डे पड़े हुए हैं। करीबन 4 महीने पहले इस रोड में टायरिंग का काम हुआ था, लेकिन बरसात के चलते ये खड्डे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन और विभाग को इस बारे जानकारी दी, लेकिन विभाग द्वारा इन खड्डों में पत्थर या टायरिंग ना करने के बजाय मिट्टी फेंक दी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। यहाँ पर आने जाने वाले व स्थानीय लोगों को, दुकानदारों को इस मिट्टी की धूल से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि शीघ्र ही ऐसी हालत इस रोड पे बनी है, इसको तुरंत ठीक करवाया जाए।